जय माता दी। मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ मीन राशि का कैसा रहेगा फरवरी का महीना। अभी तक हमने बताया है मेष से लेकर कुंभ राशि का किस प्रकार से रहेगा फरवरी का महीना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वीडियोस को देख सकते हैं। मित्रों, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और अपने धन से संबंधित सभी वीडियोस देखने को मिले और आप उनसे लाभ उठा सकें। मीन राशि के स्वामी है गुरु बृहस्पति। आपकी गोचर स्थिति क्या है? तो आपकी पत्री में गोचर स्थिति के अनुसार गुरु बृहस्पति 12वें भाव में कुंभ राशि में चल रहे हैं, राहु वृष राशि में तृतीय भाव में चल रहे हैं, केतु वृश्चिक राशि में नवम भाव में चल रहे हैं, मंगल शुक्र दशम भाव में धनु राशि में चल रहे हैं, शनि सूर्य और बुध मकर राशि में एकादश भाव में चल रहे हैं। तो गोचरीय स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा आपका फरवरी का महीना? तो यहाँ लग्न के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में चले गए हैं, तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं, तो आपको खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ आपको सर दर्द, लीवर से संबंधित या डाइजेशन से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो अपने खान पान का और स्वास्थ्य का फरवरी के महीने में विशेष तौर पर ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना? तो विद्यार्थियों के लिए फरवरी के महीने में थोड़ा सा मन आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। कभी आपका मन करेगा पढ़ाई करने को, तो कभी एकदम से ही पढ़ाई पर से मन हट जाएगा। तो आप फरवरी के महीने में पूरा फोकस और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि यह महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम भी हैं, तो फोकस करें अपनी पढ़ाई पर। आपका पारिवारिक जीवन किस प्रकार से रहेगा? तो मीन राशि वालों का पारिवारिक जीवन फरवरी के महीने में अच्छा है, परंतु आपको यहाँ अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है कि आप परिवार में किस सदस्य से किस तरीके से बात कर रहे हैं। नोक झोंक थोड़ी बहुत तो चलती है, पर रिश्ते देख के ज़रूर बात करें, पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल बना रहेगा। प्रेम संबंध किस प्रकार से रहेंगे फरवरी के महीने में? तो प्रेम संबंध आपके ठीक ठीक रहेंगे, कुछ नोक झोंक भी इस महीने आपकी हो सकती है, तो एक दूसरे को समझ कर चलें। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ था, विवाह को लेकर अभी तक बहुत परेशान थे मीन राशि वाले कि क्या वजह है जो अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई रिश्ता आता नहीं है, आता है तो तय नहीं हो पा रहा है, तो फरवरी में 13 फरवरी के बाद आपके विवाह के योग बन रहे हैं। 13 फरवरी के बाद आपका विवाह योग पूर्ण होगा और आपका रिश्ता तय हो जाएगा। जिन्हें अभी तक संतान सुख नहीं मिला था, संतान सुख से वंचित थे, संतान सुख को लेकर बहुत परेशान चल रहे थे, तो आपके जीवन में भी फरवरी में संतान योग बन रहा है। 13 फरवरी के बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, आपका संतान सुख का योग पूर्ण रूप से बन रहा है। नौकरी और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा फरवरी का महीना? तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी, ज़्यादा मेहनत करके आपको इस महीने प्रमोशन मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, व्यापार में तरक्की और लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप कोई नया कार्य भी इस महीने शुरू करेंगे। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे थे, पढ़ाई के लिए हो, नौकरी के लिए हो या व्यापार के लिए हो, मीन राशि वाले बहुत समय से परेशान चल रहे थे कि विदेश जाने की सोच रहे थे पर योग नहीं बन रहा था, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी जिसकी वजह से वो बहुत परेशान चल रहे थे, तो फरवरी के महीने बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप विदेश जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपका ये योग बहुत अच्छे से बन रहा है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, तो फरवरी के महीने में अच्छा योग बन रहा है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जो लोग वाहन लेना चाह रहे थे, तो वाहन का सुख भी फरवरी के महीने में बन रहा है, आप वाहन ले सकते हैं। कैसा रहेगा फरवरी के महीने में आपकी धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति और आपका भाग्य? तो फरवरी के महीने में भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपका रुका हुआ पैसा जो कहीं फंसा हुआ था अभी तक आपको नहीं मिल पाया था, तो फरवरी के महीने में पूर्ण योग बन रहे हैं, आपका रुका हुआ पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति फरवरी के महीने में अच्छी रहेगी, धन का आपको लाभ रहेगा। तो धन की स्थिति से फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपको क्या करना चाहिए फरवरी के महीने में जो आपके लिए लाभकारी साबित हो?
आपके जीवन में कोई समस्या ना आए और जो परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो जाए। तो फरवरी के महीने में आपको सबसे पहला उपाय एक कमल का फूल लेना है। अगर आपका कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो आप गुलाब का फूल ले सकते हैं, परंतु सबसे पहले कोशिश करिए कि आपको कमल का फूल ही मिल जाए। एक कमल का फूल, एक इत्र और एक देसी घी का दिया माँ लक्ष्मी के आगे जलाएं शाम के समय। ऐसा आपने रोज करना है। अब आप ये पूछेंगे कि ये दिया और फूल हम घर में चढ़ाएं या मंदिर में जाके चढ़ाएं? वो जहाँ आप यथाशक्ति पूरी श्रद्धा के साथ करें, आपको लगता है कि मंदिर दूर है, जाने में कोई परेशानी है, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी है, आप अपने मंदिर में करिए, या फिर आप मंदिर में जाके भी चढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय, आपने हनुमान जी को एक पान का बीड़ा चढ़ाना है, चमेली के तेल का दिया जलाना है और सिंदूर अर्पित करना है, और मंदिर में ही बैठ के आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये उपाय करने से आप अपने विद्या के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये सारे उपाय करने से फरवरी का महीना आपका बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और आपके जीवन में काम आने वाले महत्वपूर्ण टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।